हेलो फ्रेंड्स, मिर्च न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आपको न्यूज़ देने वाले हैं संभावना सेठ के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उनके फादर जो हैं वो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जहां पर वो एक वीडियो बनाती हुई नज़र आती हैं और जिसमें बोलती हुई नज़र आती हैं कि नर्स बोलती हैं कि कुछ करना है तो अपने आप कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है, हमको और लोगों को भी देखना है। संभावना सेठ अपनी वीडियो में बताती हैं कि जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती हैं तो उनके फादर का ऑक्सीजन लेवल 55 था, जिसको देख के वो घबरा जाती हैं। और जब नर्स से इस बारे में बात करती हैं तो नर्स बोलती है कि ये नॉर्मल है। उसके साथ साथ वो देखती हैं कि उनके फादर की टेबल पर खाना ऐसा कैसा रखा होता है, जिसे देखकर फिर वो नर्स से पूछती हैं कि मेरे फादर को सुबह से क्या खाने के लिए दिया गया है, जिस बात का जवाब नर्स नहीं दे पाती है और बोलती हैं कि मुझे नहीं पता। तो इन सब बातों से गुस्सा तो हर किसी को आना बनता ही है, और वही संभावना सेठ के साथ भी होता है। और उसी के साथ उन्होंने वहाँ पर एक वीडियो बनाई थी जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। आपका अपना नाम पता है? ये जयपुर गोल्डन एंड नाउ दिस आई एम नॉट गोइंग टू लीव। आपको मैं मेरी फादर की हालत दिखाती हूँ। आपको मैं मेरे फादर की हालत दिखाती हूँ, ये देखिए। उनको होश नहीं है, सैचुरेशन 55 पे आया है। ये सिस्टर मैंने इनको आके पकड़ा तो कहती है आप यहाँ कैसे आए हो, कहती है ये बहुत अच्छा सैचुरेशन है, 55 वेरी गुड, बहुत बड़ी ऑक्सीजन है। इनका नाम ये, हम सुबह से, मैं सुबह ही फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे आई हुई हूँ अपने फादर को देखने के लिए, एंड दिस इज व्हाट दे से, फादर का सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल 55 पे गया है। लड़की ने मुझे बोला हम नहीं करते, लाइए और लोग लेके आइए, हमारे पास टाइम नहीं है। पता करके नीचे ये बोला इन्होंने, कैसे बोला? मैं बात कराता हूँ, आप यही पे बात कराओ, ये मेरे फादर है, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी उनको। मैं एडमिन में चल के आपकी बात करा देता हूं। नहीं, मैं बिल्कुल छोड़ के, जिसने मुझे ये बोला हमारे पास तुम्हारे फादर के लिए टाइम नहीं है, हम और भी पेशेंट्स को देख रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। डायरेक्टर बैठे हैं, एमएस मैडम बैठी है, मेडिकल डायरेक्टर, तभी सारे बात में बैठे हो, उसके बाद मेरे फादर का ऑक्सीजन सडनली 55 पे गया, क्योंकि वो बोल रही है कि बहुत बढ़िया है। कोई भी बात की, कितनी बदतमीजी करी है मुझसे, इन लोगों को लेना देना नहीं है। कल भी ऐसा ही हुआ था, मास्क हटा हुआ था, उनकी ऑक्सीजन डाउन आई हुई थी, मैं सडनली अंदर चला गया और मैंने रियलाइज किया कि उसका मास्क एक तरफ पड़ा हुआ है और कह रहे हैं आप लगाने के कोई बड़ी प्रॉब्लम, ये मेरा पहला बता रहा है, कल की बात बता रहा है, आज आई हूँ यहाँ पे, ये पहला वीडियो जो ऑलरेडी जा चुका है वो मेरे फादर की जिस दिन डेथ हुई है उस दिन का वीडियो है, उससे 2 घंटे पहले का वीडियो है। आपको लग रहा है कि सिर्फ बात नर्स की थी, लेकिन बात सिर्फ उस नर्स की नहीं थी जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी। और बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं ऑफेंड हो गई कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल। मैं देख रही थी कि ये सारा स्टाफ, पूरे हॉस्पिटल जितने भी पेशेंट्स थे उनके साथ भी मैंने बदतमीजी होते हुए देखा है, लेकिन अपने फादर के साथ जब मैंने ये चीजें देखी, जब मैं पहुंची उस समय और पापा का ऑक्सीजन लेवल 55 पे मैंने देखा, तो आप बताइए कोई भी डॉटर, आप लोगों की ही बात कर रही हूँ मैं, आप में से कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, क्या ये सहन कर पाओगे? बहुत लोग ये कहते हैं कि कोविड वार्ड में आप पहुंचे कैसे, थैंक गॉड मैं पहुंच गई, क्योंकि अगर मैं नहीं पहुंचती तो ये सच्चाई आप लोगों के सामने नहीं आती। ये लोगों को क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, आप लोगों को ये बोल देते हैं कि कोविड वार्ड है या कोविड से रिलेटेड कहीं कोई भी चीज है, आप सामान बाहर दे दो, वो आपके पेरेंट्स तक, आपके अपनों तक वो पहुंच भी रहा है कि नहीं आपको मालूम ही नहीं है। मैंने देखी अंदर की सिचुएशंस, जो नीचे से लोग जूस दे रहे थे, कोई वाटरमेलन जूस दे रहा था या नारियल पानी दे रहा था, वो वहां पर एज इट इज साइड पे रखा हुआ था, और आपको तो पता भी नहीं है क्योंकि वो पेशेंट्स होश में नहीं है, वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, उनको कोई पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, दो दो तीन तीन दिन तक ये आप लोगों को मालूम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से जब उस नर्स से ये पूछा, मैंने देख के अपनी आंखों से देखा, ये नर्स से मैंने जब पूछा कि मेरे पापा के लिए, मैं खाना लेके गई थी, मैं दलिया लेके गई थी, उस समय मेरे हाथ में दलिया का डब्बा था कि पापा शायद होश में आ जाए तो मैं उनको खिला पाऊं थोड़ा बहुत, और मैंने उस नर्स से पूछा कि पापा ने सुबह से क्या खाया है, जो खाना था खा लिया है, वो मुझे नहीं पता है, वो जिसकी ड्यूटी थी उसने
देख लिया है, मैंने कहा बताइए ना किसकी ड्यूटी थी, आपकी तो नहीं थी लेकिन किसकी ड्यूटी थी, वो जिसकी ड्यूटी थी मैं बताती हूँ। मेरे पापा का खाना ऐसे ही साइड पे रखा हुआ था मॉर्निंग का, पापा ने एक दाना कुछ नहीं खाया था, पापा ने एक बूंद पानी नहीं पिया था। अगर आप मेरे पापा की हालत देखोगे तो क्या वो आपको लग रहा था कि उनके मुंह में एक बूंद पानी भी किसी ने डाला होगा? नहीं डाला। जब हम लोग डरते हैं कि कोविड वार्ड में हमें जाने नहीं दिया जाएगा, पीपी किट पहनो, ये करो वो करो, उसके बाद ये जो आपके अपनों के साथ कर रहे हैं ये आपको मालूम नहीं है। मेरे साथ जो हुआ ये मैं लोगों तक शेयर कर पाई। आप लोग ये मत सोचो कि सेलिब्रिटी थी तो देखो सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो गया तो हमारे साथ तो क्या ही होगा। जैसे आपकी आवाज है कई लोग उठा पाए कई लोग नहीं उठा पाए, मैं उठाना चाहती हूँ और वो हर एक के लिए वो आवाज उठाना चाहती हूँ कि हमारे साथ गलत हो रहा है। मैं सारे डॉक्टर्स को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं सारे स्टाफ को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ हमारे बीच में ये जो इविल्स हैं उनका मैं पर्दाफाश जरूर करना चाहूंगी और करके